नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो सेहत ही वैक्सीन है, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और सेहत की कीमत क्या है कोरोना काल से बेहतर कोई नहीं बता सकता। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि कोरोना को हराने के लिए आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी ज़रूरी है और वो तभी होगी जब आप फिट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। और कोरोना ही क्यों, जो बाकी बीमारियां हैं उससे भी बचने के लिए आपका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक संजोग ये है कि इस बार जो वर्ल्ड हेल्थ डे हम मना रहे हैं इस मौके पर आया है जब दुनिया भर में स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं काफ़ी बढ़ी हैं कोरोना की वजह से। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और दुनिया भर की चिंताएं कोरोना ने बढ़ाई हैं और एक बार सेकेंड वेव की लहर ने पूरी दुनिया को बड़ा झटका दे दिया है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, सख्ती अलग तरीके से बढ़ाई गई है, लेकिन हमें आपको अपने स्तर से अपनी सेहत को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या कुछ करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा जो डिटेल में जिनसे हम ये समझेंगे, जो हमें बताएंगे कि कोरोना काल में सेहतमंद आप कैसे रहें ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे और कोरोना को आप हरा पाएं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में 2020 से ही कोरोना का सितम जारी है, कभी कम हो जाता है तो कभी ज्यादा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, डॉक्टर्स अस्पतालों में तो आम लोग घर ऑफिस से लेकर सड़क तक। लेकिन कोरोना से जारी इस जद्दोजहद और मास्क के पीछे सांस लेती जिंदगियों के बीच एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमें कोरोना ही क्या कोई दूसरी बीमारी ना हो, कभी ना हो। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर यह सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज हमें खतरा सिर्फ कोरोना से नहीं बल्कि दूसरी कई बीमारियों से है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप रोजाना अपने लिए थोड़ा सा वक्त और उस वक्त में से कुछ चीज करके हमेशा सेहतमंद और निरोग बने रह सकते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आप सेहतमंद और पौष्टिक खाना खाएं, जंक फूड, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड से जितना हो सके दूर रहें। खाने में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, हेल्दी फैट और प्रोटीन से भरी चीजों को शामिल करें। खाने में तेल, नमक, चीनी और मसालों का कम से कम इस्तेमाल करें। भूलकर भी सुबह का नाश्ता ना छोड़ें। लंच थोड़ा हैवी और डिनर सबसे लाइट रखें। खाने में दूध, दही, मेवे वगैरह को भी शामिल करें। डॉक्टर्स कहते हैं कि सेहतमंद रहने में नींद भी एक अहम भूमिका निभाती है, इसलिए जरूरी है कि आप 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। तनाव से हर हाल में दूर रहें ताकि वो आपकी बीमारी का कारण ना बन जाए। फिट रहने के लिए जरूरी है कि आप नियमित तौर पर एक्सरसाइज करें, योग और एरोबिक्स को जीवन का हिस्सा बनाएं। और हाँ, शराब, सिगरेट और इस तरह की दूसरी चीजों से दूर रहें। लेकिन ये तो रही वो बातें जो आपको कोरोना ही नहीं दूसरी बीमारियों से दूर रहने के लिए चाहिए। लेकिन अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर डेटाबेस की एक रिपोर्ट कहते हैं कि हम भारतीय अपनी सेहत पर सालाना बहुत कम खर्च करते हैं। एक भारतीय अपनी सेहत पर सालाना करीब $23 ही खर्च करता है, जबकि एक अमेरिकी औसतन अपनी सेहत पर $4,541 खर्च करता है। वहीं कनाडा में प्रति व्यक्ति सेहत पर खर्च $3,753 है। फ्रांस में लोग सेहत पर $3,878, जर्मनी में $4,165 खर्च करते हैं। ब्रिटेन में लोग औसतन सेहत पर $3,272 खर्च कर देते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में लोग सेहत पर $4,043 खर्च करते हैं, तो जापान में एक व्यक्ति अपनी सेहत पर $3,095 खर्च करता है। वहीं सरकारी स्तर पर भी सेहत पर खर्च के मामले में भारत पीछे है। देश में GDP का औसतन 1.5% भी खर्च नहीं हो रहा, जबकि जानकार इससे कम से कम 6% की दरकार बताते हैं। बहरहाल कोरोना काल में बेहतर सेहत तो आपको इन्फेक्शन से तो दूर रखेगी, लेकिन कोरोना के बाद भी अच्छी और लंबी उम्र के लिए सेहत पर ध्यान दें, अच्छा खाएं, पूरी नींद लें और रोजाना एक्सरसाइज करें, क्योंकि कोरोना हो या जिंदगी की कोई भी जंग, आपकी सेहत ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं रेडिक्स हेल्थ केयर की डायरेक्टर डॉक्टर श्रुति मलिक, फैट टू स्लिम की फाउंडर और डाइटिशियन शिखा शर्मा और फिटनेस एंड लाइफ स्टाइल कोच यश अग्रवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और बहुत महत्वपूर्ण मौके पर ये दिन आया है जब हम दुनिया भर में इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल शिखा मैम आपसे ये होगा कि इम्यूनिटी की सबसे ज़्यादा बात हो रही है और जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है वो कोरोना चाहे तो उनको नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो वो आसानी से बच जा रहे हैं बिना किसी गंभीर कॉम्प्लिकेशन के। तो अब आप जरा ये बताएं एक बार फिर से कि अब चूंकि सेकेंड वेव की लहर आ गई है दुनिया भर में, भारत में भी आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 1,15,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड केस दर्ज हुए हैं। तो अब आप ये जरा बताएं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए और क्या नया तरीका अख्तियार करना चाहिए, खान पान में क्या और सावधानी बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले मैं सबको वर्ल्ड हेल्थ डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और जो अब 2021 का हम वर्ल्ड हेल्थ डे बना रहे हैं तो पूरी दुनिया ने सीख लिया है, गांव-गांव तक सीखने है कि हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 2020 ने हमें यही सिखाया कि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है और हेल्थ है तो सब कुछ है। और जैसे देखा जा रहा है कि अब फिर से कोरोना की फिर से लहर आ गई है, कर्फ्यू लग रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, हमें कॉल पे कॉल बज रही है कि अब इम्यूनिटी के लिए क्या करें, क्योंकि लोग अभी तक फिटनेस पे ध्यान देते हुए कोविड की वजह से अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे थे, किचन के स्पाइसेस खा रहे थे, बट अब फिर से लहर बढ़ रही है तो डर आ गया है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये हुई है, जैसे ही लॉकडाउन खुला लोगों ने बाहर का खान पीना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया और फिटनेस को फिर वो अपने सेकंड थर्ड नंबर पे लेके आ गए, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। देखिए, तो हमें ये ध्यान रखना है जब तक कोविड के केसेस पूरी दुनिया भर में जीरो नहीं हो जाते हैं, हमें नहीं भूलना है कि कोविड चला गया है, हमें नहीं सोचना है बिल्कुल। तो अब जैसे कोविड की लहर आ रही है तो सबसे पहले फिर से अपने किचन के मसालों की तरफ लोगों को बढ़ जाना है, जिसके अंदर उनको रोज दो अंजीर, जो हमारी अंजीर जिसे हम इंग्लिश में फिक कहते हैं और हिंदी में अंजीर कहते हैं, उसका रोज सुबह दो अंजीर का सेवन करें। उससे और सोने से पहले, रात से पहले वो अपने दूध में आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, जो धनिये का पाउडर होता है, और आधा चम्मच टर्मरिक, जो हमारी हल्दी होती है, उसको दूध में मिला के पिए, बिकॉज ये आपके बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। और उसके अलावा, क्योंकि लोगों का 2020 में घर में रह के विटामिन डी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आया था और वो आपकी इम्यूनिटी के लिए, लो करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अभी जो हमारा आप जितना हो सके एटलीस्ट 15 मिनट आप धूप में जरूर बैठिए, क्योंकि जितना आपका विटामिन डी बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। उसके अलावा, क्योंकि लोग अब फिर से घर में है, घर से होम फॉर वर्क हो रहा है एक साल से, तो उससे लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जब आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, स्क्रीन टाइम मतलब आपका टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, तो वो भी आपकी इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो उसके लिए छोटी सी एक फॉर्मूला होता है 20-20-20 का, उसमें क्या करना होता है, जैसे अगर 20 मिनट आप अभी अपने स्क्रीन पे है तो सिर्फ 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे 20 सेकंड तक देखिए, तो ये आपके आईसाइट पे भी बहुत हेल्प करेगा, आपको मेंटल हेल्थ पे भी बहुत हेल्प करेगा और आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपना लंच और डिनर कर रहे हैं उसके साथ हरी मिर्ची का सेवन करिए, बिकॉज जो हरी मिर्ची होती है वो आपके इम्यून के लिए, आपके विटामिन सी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो ये छोटी छोटी टिप फॉलो करके हम इस दूसरी जो लहर आई है हम अपने आप और अपने परिवार को बचा सकते हैं। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और ऐसे मौके पर आपने ये सुझाव दिए हैं जो सबके लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने लेवल से कोरोना को हरा पाएं। देखिए, बहुत ज़रूरी है और इसलिए आज हमने बहुत महत्वपूर्ण नाम दिया है अपने अपने शो का कि सेहत ही वैक्सीन है। वैक्सीनेशन का काम अपनी तरह से चल रहा है और वो चलता रहेगा, वो तो हमें बचाएगा ही, लेकिन हम अपने लेवल पर अगर सेहतमंद रहेंगे तो आप बहुत हद तक कोरोना से लड़ पाएंगे, कोरोना से बच पाएंगे। दोनों के लिए, कोरोना से बचने के लिए भी ज़रूरी है सेहतमंद होना
और कोरोना अगर हो जाए तो कोरोना से लड़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, क्योंकि माना यह जाता है कि हम सबकी इम्यूनिटी अच्छी होती है इंडियंस की, लिहाजा हम लड़ पा रहे हैं, इसको और मजबूत करना है। अब यश अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप फिटनेस एंड लाइफ स्टाइल के कोच हैं, अब जरा आप ये बताएं, क्योंकि फिटनेस मेंटेन रखना एक बड़ा चैलेंज है कोविड काल में। और बहुत सही बात अभी शिखा जी ने कही कि 2 महीने में लोग लापरवाह हो गए थे, अब चूंकि फिर से ये लहर बढ़ गई है कोरोना की, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर फिर से बढ़ रहा है, सख्तियां बढ़ रही हैं, लोग घरों में कैद हो रहे हैं धीरे धीरे, तो अब जरा आप ये बताएं कि घरों में रहकर वर्क फ्रॉम होम करते हुए अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन रखा जाए, ताकि इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट आपके आपके आपकी सेहत पे ना पड़े। सबसे पहले तो मैं सबको वर्ल्ड हेल्थ बोलना चाहूंगा। हेलो, आई एम ऑडिबल? जी जी सुन रहा हूं। यस यस, सबसे पहले तो मैं सबको वर्ल्ड हेल्थ डे बोलना चाहूंगा सबको, सबसे पहले इधर। यस, थैंक यू। एंड सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि कोविड के टाइम पे हमें क्या करना है, कोविड से पहले भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा बॉडी फिजिकली और मेंटली फिट रहे, और सही तरीके से हमें खाना खाना भी बहुत जरूरी है। डेफिनेटली कोविड के बाद जो हमारा जो चांसेस हो गए वो आपको ज्यादा देखना है, बट हमें हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो डे टू डे लाइफ में आपको इम्प्रूव करते रहनी है। इसके लिए मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूंगा जो आप इजीली फॉलो कर सको, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज, आप जैसे कि वॉकिंग है, आप जैसे फोन यूज कर रहे हैं या कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, घर पे भी आप कुछ कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, जस्ट वॉकिंग कर सकते हो अपने घरों में, या आप जिस एरिया में रहते हो उधर ही आप कुछ नीचे वॉकिंग कर सकते हो। मतलब वॉकिंग बहुत जरूरी है, सबसे पहला चीज। और दूसरा जो चीज है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लिफ्ट, काफी लोग यूज करते हैं लिफ्ट हमारे, वो ना यूज करके आप स्टेयर किस का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा अच्छा है, स्पेशली आपके लेग्स के लिए काफी अच्छी है, मजबूती, जिसे हम बोलते हैं कि एक बिल्डिंग बनने के लिए उसकी जो पिलर होती है बहुत मजबूत करने की जरूरी है, वो बहुत मजबूत होना जरूरी है। वैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए हमारा जो पिलर है वो हमारे पैर है, तो वो पैर की जो मजबूती है ना होनी जरूरी काफी है। तीसरा आ जाता है कि हमें जो कुछ एक्सरसाइज हम जो बॉडी वेट के तौर पे हम जो कर सकते हैं, पहला होता है उठक बैठक जो होती है स्क्वाट्स, स्क्वाट्स आप जो कर सकते हो बहुत इजी होता है, बट हमेशा मैं चाहता हूँ आप कुछ भी एक्सरसाइज जब परफॉर्म करते हो तो आपके सामने कोई ना कोई एक्सपर्ट रहे ताकि आपके लिए इजी हो जाए, या तो किसी ना किसी को फॉलो करके उनसे अंडरस्टैंडिंग हो के आप वो एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो। दूसरा जो एक्सरसाइज हो जाता है वो है चेस्ट एक्सरसाइज विच इज कॉल्ड पुशअप्स, तो आप पुशअप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरा एक्सरसाइज जो मैं रेकमेंड हमेशा करता हूँ कोर के लिए, जो क्रंचेस हो गया तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी हो गई प्लैंक, प्लैंक करते समय हमें ध्यान रखना है हमारी जो बॉडी है वो काफी हद तक बैलेंस रहे, और क्योंकि क्या होता है बहुत बार आप बैलेंस नहीं करने के चक्कर में आपको बैक में पेन होने की चांसेस हो जाती है। पांचवा जो एक्सरसाइज है वो आपको कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, विच इज वेरी गुड फॉर योर कार्डियोवास्कुलर मसल। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो पांचों एक्सरसाइज मैंने जिसके नाम बताए हैं, ये आप जब डेली परफॉर्म करते हो 2 से 3 सेट एटलीस्ट, तो उसमें आपकी जो ओवरऑल बॉडी की जो टोनिंग है अच्छी हो जाती है, आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आपका मोबिलिटी तक बढ़ जाता है, एंड डेफिनेटली वो जो इम्यूनिटी पावर का जब बात होता है, जब आप खाने के साथ एक्सरसाइज एड ऑन करते हो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी जो चीज हम मिला के जब करते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली कोरोना होने की चांसेस बहुत हद तक कम हो जाती है। थैंक यू। एग्जैक्टली, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और कोरोना से बहुत हद तक आप बच पाएंगे। ये कुछ अचूक मंत्र हैं जो अभी हम सबको फॉलो करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद रहें। अब डॉक्टर श्रुति मलिक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, चूँकि आप इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में और मेडिकल टर्म में देखती हैं, आप जरा ये अगर बताएं, क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है तो आपको पता भी नहीं चलता है, तो क्या इसको देखने के लिए, समझने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या, जिससे मैं ये समझ पाऊँ कि मेरी इम्यूनिटी वाकई ठीक है, मजबूत है, या मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर है? क्या इसका कोई साइन बॉडी की तरफ से मिलता है कि अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो? ज़्यादा जब कम होता है तब तो मिल जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी कम है, बढ़ानी है, इसका कोई साइन मिलता है क्या मेडिकल टर्म में?
देखिए इम्यूनिटी एक तरीके का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ना ही इस समय कोविड काल में बट जनरली भी। हम अगर देखें कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उन लोगों में सबसे पहले जो साइंस आते हैं वो ये है कि उनको बहुत रेगुलर और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी उनको जो है खांसी जुकाम जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ डाइट से, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसी डाइट ले रहे हैं तो उसी से होगी, आपको एक्सरसाइज योगा हर तरीके से, तो ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी एक्शन है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो ये इम्यूनिटी का की जीत उन्हीं लोगों में हुई है कोरोना में जिन लोगों ने अपने उसको अच्छे से मेंटेन करके रखा, क्योंकि देखिए हर आदमी ये बात कर रहा है इस समय, हर डॉक्टर ये बात कर रहा है वर्ल्ड ओवर कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिसको कि कोई कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस नहीं थी, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, डायबिटीज नहीं थी, किडनी की प्रॉब्लम नहीं थी, जो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपीज पे नहीं था, उन लोगों का रिकवर होना किसी भी बीमारी में या अगर हम इस समय पैंडेमिक में कोरोना की बात करें तो बहुत अच्छा था। तो अगर हम हर तरफ से देखें तो इम्यूनिटी केवल आपकी एक शारीरिक तरीके से, केवल खान पान से नहीं है, बल्कि ये आपकी एक्सरसाइज, आप किस तरीके से डे टू डे अपनी स्लीप साइकिल को कैसा रखते हैं, क्या आप इसका अल्कोहल का, स्मोकिंग का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, नहीं करते, क्योंकि ये सब आपकी हेल्थ पर, इनर हेल्थ पर जो है वो काफी हद तक अफेक्ट करती है। हम आपको बता रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर कि आप कैसे सेहतमंद रहकर बीमारियों से बच सकते हैं, ना सिर्फ कोरोना से बल्कि बाकी बीमारियों से भी। अब शिखा जी आपसे मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, चूंकि इस बार जो रफ्तार है कोरोना के आंकड़ों की बहुत तेज़ है, फर्स्ट वेव के मुकाबले सेकेंड वेव की बहुत तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और 8 लाख के आसपास के एक्टिव मरीज हैं, बहुत तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग घरों में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, होम आइसोलेशन में हैं। आप जरा उन लोगों के लिए बताएं कि जो लोग अस्पतालों में हैं उनका तो प्रॉपर केयर हो रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, लेकिन जो लोग घर में हैं और जो घर पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इलाज कर रहे हैं अपना, वो सेहतमंद रहें और उनकी इम्यूनिटी और मजबूत हो ताकि वो जल्द से जल्द कोरोना को हरा पाएं, उनके लिए क्या टिप है मैम? बिल्कुल, देखिए जैसे हमारे जो आंकड़े हैं कोरोना में बढ़ते जा रहे हैं, दिल घबराता है, हर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का काम करना भी ज़रूरी है, बिकॉज एक साल से आपको पता है सबके बिजनेसेस ठप थे, अब लोगों को हो गया है कि अब हमें काम करना है, अब चाहे कोरोना हो जाए या तो घर चला ले, तो उसमें लोग बाहर भी निकल रहे हैं और इसलिए कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग थक चुके हैं घर में रह के। हमारे पास ऐसे सीनियर सिटीजन के केसेस आए हैं कि वो बेचारे थक चुके हैं कि हमें साल भर घर में हो गया और वो बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसलिए कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला मैसेज उन लोगों को रहेगा, कोई बात नहीं, जान से ऊपर थकना नहीं है, तो थोड़े से और थक जाइए, सब कुछ करीब है, थोड़े समय की और बात है, सब कुछ खत्म हो जाए, हमारा कोविड ये खत्म हो जाएगा। और जो लोग कोविड से सफर कर रहे हैं और घर पे वो सेल्फ आइसोलेशन में है, तो सबसे पहले उन्हें ये समझना है जो कि अगर आपको कोविड हुआ है और घर में आप आइसोलेशन में है तो आप पार्टी में नहीं है, बिकॉज बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे जब हस्बैंड को हुआ है या घर में किसी को हुआ है तो वो कह रहे हैं वो अकेले बैठे हो तो उनको चिप्स दिए जा रहे हैं, उनको कभी तली हुई चीज़ें दी जा रही है, तो पास्ता बना के दिया जा रहा है। देखिए ये गलती मत कीजिए, आपको कोविड हुआ है और अभी उस कोविड जो हुआ है इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी लो है, ये पार्टी टाइम नहीं है, आइसोलेशन पार्टी टाइम नहीं है। तो उस टाइम आप जो डाइट ले सकते हैं, तो सबसे पहले सुबह आपको काढ़ा बनाना है, और काढ़े में लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत भर भर के काढ़ा दे रहे हैं जिनको कोविड हुआ है, ऐसा नहीं करना है। देखिए मात्रा है काढ़े की, उसी तरीके से आपको लेना है, जिसमें सुबह 2 ग्लास पानी में आपको आधा चम्मच हल्दी डालनी है, आपको आधे से थोड़ा सा कम काली मिर्ची डालनी है, आप उसके अंदर 2 अंजीर डालिए, आधा चम्मच शहद डालिए, और अगर आपके घर में मुनक्का है तो थोड़ा सा उसके मुनक्का डालिए, और 3 से 4 लौंग डालिए, उसके अच्छी तरह उबाल के 1 ग्लास का काढ़ा दीजिए कोविड पेशेंट को। उसके बाद ब्रेकफास्ट में ब्रेड अवॉइड कीजिए, अगर आपको ब्रेकफास्ट में सुबह आप उनको स्टफ रोटी दे सकते हैं, बिकॉज हमें ये ध्यान रखना है अगर कोई कोविड पेशेंट है और वो आइसोलेशन में है तो उसकी शुगर या कोलेस्ट्रॉल हाई ना हो जाए, तो आप उनको सुबह आप स्टफ रोटी दे सकते हैं या फिर आप उनको पोहा बना के दे सकते हैं, उसके साथ चाय कॉफ़ी दीजिए। चाय कॉफ़ी में चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है, आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होती है।
उसके बाद आप उन्हें कोई भी फ्रूट दे सकते हैं, बट आपको केला और आपको अंगूर जैसी चीज़ों नहीं लेनी है बिकॉज वो डायबिटीज़ बढ़ा सकता है। तो आप कीवी लीजिए, कीवी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं और उसके अलावा पपाया ले सकते हैं। उसके बाद लंच के अंदर हो सके तो बाजरे की रोटी दीजिए बिकॉज बाजरा जो होता है दैट इज़ वेरी हाई इन न्यूट्रिशन। और चाहे कोई भी सब्जी दीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरी सब्जियाँ खानी है, हर सब्जी में अपना बेनिफिट होता है। शाम को फिर आप टी कॉफी दे सकते हैं और डिनर में, डिनर को आपको फुल न्यूट्रिशन भी रखना है और ज्यादा हैवी नहीं करना है। और बट लोग एक और चीज गलती कर रहे हैं, जो कोविड पेशेंट है उनको रात को लाइट रखने के चक्कर में उनको सूप दे रहे हैं, उबली सब्जियां दे रहे हैं, ये गलती मत कीजिए क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए उनका पूरा खाना खाना भी जरूरी है। तो उन्हें आप दलिया दे सकते हैं, दलिया में बहुत सारा वेजिटेबल डाल के और उसे अच्छे से सरसों के तेल में बना के, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है उसके अंदर गुड फैट होता है, ओमेगा होता है, तो वो आपके इम्यून के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप उन्हें दलिया दे सकते हैं, आप उनको बाजरे की या रागी की रोटी दे सकते हैं। तो इस तरीके की डाइट आप फॉलो कीजिए कोविड पेशेंट के लिए, एंड आई एम श्योर यू नो जो कोविड से वो बहुत जल्दी रिकवरी करेंगे। उसके अलावा आपने अभी क्वेश्चन किया था कि इम्यूनिटी चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। टाइम कम है शिखा जी, वक्त कम है मैम, वक्त कम है मैम, मैं आऊँगा आपके पास। आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि आपका पूरा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, कैसे आपको खान पान का ख्याल रखना चाहिए। श्रुति मलिक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि इस बार ये पाया गया है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा कोरोना के शिकार हो रहे हैं, और वैसे भी जो खान पान है बच्चों की, जो आदत है जंक फूड खाने की, स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो बच्चों का भी पैटर्न बदला है। मैं बच्चों के लिहाज से आपसे पूछना चाहता हूँ कि बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत रहे, पहला सवाल, और दूसरा खान पान को लेकर के बच्चों को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए या पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए बच्चों के खान पान को लेकर और उनकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने को लेकर। देखिए बच्चों की इम्यूनिटी का जहां तक बात है, वो सबसे पहले तो ये है कि उनका सबसे ज्यादा आजकल के बच्चे जो है वो जंक फूड बहुत खा रहे हैं। आप देखिए हर आदमी प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहा है, हर आदमी जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है और चाहता है कि बाहर का खाना खाए, घर का खाना ना खाए। तो उनको ज्यादा से ज्यादा आप दाल दीजिए जिसमें प्रोटीन्स होती है, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स दीजिए क्योंकि फ्रूट्स में हर तरीके के विटामिन्स होते हैं। हम लोगों को ये देखना है कि हमें एक बैलेंस डाइट बच्चे को देनी है, ऐसी डाइट देनी है जिसमें हरी सब्जी भी हो ताकि विटामिंस भी जाए, मिनरल्स भी जाए, हर तरीके के प्रोटीन्स भी जाए। तो अगर इस तरीके की चीजों का वो सेवन करेंगे तो वो आप अपनी इम्यूनिटी काफी हद तक जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों के साथ मैं ये बता दूं कि ये समय जिस समय पैंडेमिक चल रहा है, बच्चों को खास रूप से ध्यान रखना है। पहली चीज तो हम लोगों को ये देखना है कि बच्चे जो आजकल पार्क में जाते हैं उसको हम रोकें, क्योंकि हमारी 33% बच्चे ऐसे हैं जो वल्नरेबल है हमारी 138 करोड़ की पॉपुलेशन में। और हम जहां तक कोरोना की बात करते हैं, अभी बच्चों के लिए वैक्सीन्स के ट्रायल चल रहे आए नहीं है, और ये जो सेकेंड पैंडेमिक की वेव आई है ये सबसे ज्यादा बच्चों को और यंगस्टर्स को इफेक्ट कर रही है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से इम्यूनिटी अपनी बना के रखेंगे, जिन जिन चीजों का बैलेंस डाइट का हम पूरा फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक हम देखेंगे कि बच्चे जो है इस चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपने बताया कि क्या खान पान का ख्याल बच्चों को रखना चाहिए। अब यश अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बड़ों के लिए बताया कि किस तरह से एक्सरसाइज की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या बच्चों के लिए भी कोई वर्कआउट रिकमेंडेड है, बच्चों को भी बच्चों के ऊपर भी क्या इस तरह का कोई ध्यान देना चाहिए एक्सरसाइज को लेकर, वॉकिंग को लेकर? डेफिनेटली, हमने जो आपको प्रीवियसली बताया सेम चीज बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं, बट इसमें हम थोड़ा चेंज करना चाहेंगे ताकि वो बच्चों के लिए आसानी हो। जैसे बच्चे स्कूल टाइम पे हमारे जब स्कूल थे उनके ऑफलाइन, जब फिजिकली वो अपने दोस्तों से मिलते थे या फिर वो स्पोर्टिंग करते थे, उस समय काफी स्पोर्ट्स खेलते थे, काफी बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। अभी काफी लोगों की वो एक्टिविटीज बंद हो गई है, ऑलमोस्ट सबकी बंद हो रखी है। तो उस समय क्या होता था, जब आप ग्रुप में खेलते थे तब आप एक ग्रुप में खेलते थे, लाइक है ना, काफी लोग बीच में रहते थे, तो उसमें जो आपकी जो कोविड की केसेस की मात्रा वो बढ़ जाती है। अभी हम बेटर है कि हम जितना हो सके अवॉइड करें ग्रुप में जाना, ठीक है, अभी हम जितना हो सके लाइक है ना सिंगल वन ऑन वन ट्रेनिंग ले सके। तो मैं बच्चों के लिए भी सेम चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप कोई ना कोई एक्सपर्ट का एडवाइस लीजिए, जो भी उनके बॉडी के लिए सुटेबल है वो एक्सरसाइज वो उनके लिए गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे। मैं डेफिनेटली बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ, खेलिए जितना हो सके स्पोर्ट्स, उससे क्या होता है हड्डी मजबूत होती है, माइंड फ्रेश होता है, एंड स्टडी में भी अपने आप से वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। बट इस पैंडेमिक की वजह से काफी लोग वो नहीं कर पा रहे, तो मैं चाहता हूँ जितने बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, जैसे हमने प्रीवियसली बताया वो तो करिए, बट ये दो जो कुछ कुछ मैंने जो छोटी छोटी चीज बताई है वो फॉलो करिएगा।
आसान रहेगा, कोई ना कोई एक्सपर्ट को एडवाइस करिए ताकि आपको क्या होगा, जो आपकी जो एक्सरसाइज आप जो करते हैं वो फन लगे, मैजिकल लगे, सिंपल लगे, ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओ कोई पर्टिकुलर चीज से, बिकॉज जितना जल्दी बच्चे बड़े बोर नहीं होते हैं उतना जल्दी बच्चे बोर हो जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखते हुए चलना है कि बच्चे बोर ना होना चाहिए, कि वो जो हम कोई भी एक्सरसाइज करें उसमें हमें मजा आना चाहिए बेसिकली। राइट राइट, बहुत बहुत शुक्रिया यश अग्रवाल जी आपका, शिखा शर्मा जी आपका और डॉक्टर श्रुति मलिक जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे स्वस्थ रहकर कोरोना और बाकी बीमारियों को आप मात दे सकते हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।